नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। 4.5 साल गुजर गए, इन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह को याद नहीं किया। जाट राजा राजा महेंद्र प्रताप सिंह को याद नहीं किया, मगर अब जबकि 6-7 महीने बचे हुए चुनावों में इनको राजा महेंद्र प्रताप सिंह याद आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत कमजोर कर दी है किसानों ने। उस किसान ने स्पष्ट कर दिया है कि अब 2013 वाली सियासत नहीं चलेगी जहां तुम हिंदुओं को और मुसलमानों को बांट सके। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ आज जिस अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सभा की, एक तरह से मैं कह सकता हूं दोस्तों कि इन्होंने अपनी चुनावी सभा की शुरुआत कर दी है, चुनावी शंखनाद कर दिया है बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने कर दिया है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि इस अलीगढ़ से 112 किलोमीटर दूर है फिरोजाबाद, 112 किलोमीटर दूर है। वहां फिरोजाबाद में दर्जनों बच्चे शायद 100 के आंकड़े को पार कर चुके हैं, उन बच्चों की तादाद जो अब तक डेंगू से मर चुके हैं। बेबसी की ढेरों दास्तानें सामने उभर कर आ रही हैं, जहां मां बाप अपने बच्चों की लाशें, अधमरे उनके जो जिस्म को हाथ में उठाकर दौड़े फिर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उसका जिक्र तक नहीं किया। वो लगातार योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पीठ थपथपा रहे थे, फिरोजाबाद में उन बच्चों का जिक्र तक नहीं हुआ। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं किस तरह के नारे लगाए गए। पहले यह देखिए, प्रधानमंत्री मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिरोजाबाद में क्या हालत है इस वक्त वहां लोगों की। एक औरत आज उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी की गाड़ी के सामने लेट गई, वो इतनी बेबस हो गई है, ना उसे इलाज मिल रहा है, ना कोई उसकी बात को सुन रहा। आप ये वीडियो देखिए दोस्तों, सिहरन पैदा करने वाला वीडियो है ये, देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आईना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए, जो कि मानते ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई समस्या है। देखिए, मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं, फिरोजाबाद में आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दर्जनों की तादाद में हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, क्या इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल भी दिल नहीं पसीजता? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बात करते हैं अब्बाजान की। 2017 से पहले राशन सिर्फ उन लोगों को मिलता था जो अब्बाजान अब्बाजान करते हैं। अरे तस्वीरें देखिए, बाप, एक बाप अपने बच्चे के जिस्म को हाथ में लेकर, उसके शरीर को हाथ में लेकर दौड़ रहा है। बदहवासी का यह आलम है, इस कदर वो बदहवास हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या आपने इस अब्बाजान का दर्द समझा है, या आप दर्द तभी समझेंगे जब उसमें हिंदू मुस्लिम सियासत का तड़का हो। यह सवाल उठना बहुत लाजमी है, आप इस मुद्दे से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि अखिलेश यादव ने भी आज शंखनाद किया है, करारा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। अखिलेश यादव के तेवर साफ हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बीजेपी सरकार का जाना तय है। क्या कहा अखिलेश यादव ने, आप खुद सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है, और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे, उन कामों को दोबारा चाहती है। आज किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लोग दुखी हैं सरकार से। जिनके पास अपना काम बताने को नहीं है,
अभी तक ये सरकार नाम बदल रही थी, रंग बदल रही थी, समाजवादियों के काम उन पर अपना नाम लगा रही थी। अब तो दूसरे प्रदेशों के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी फोटो चुरा करके अपना काम बताने में सरकार आगे बढ़ रही है। बात यहां नहीं रुकती। अखिलेश यादव प्रदेश की जनता का ध्यान इस ओर भी खींच रहे हैं कि इस सरकार की मानसिकता एक बुलडोजर की है। हर चीज को रौंदना मानो इसकी फितरत हो गई है। जिस चीज से आप इत्तेफाक ना रखें उसको रौंद दें। अखिलेश यादव किस तरह से सरकार की बुलडोजर सियासत का की बात रख रहे हैं, सुनिए। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ से अपना शंखनाद क्यों शुरू किया, क्योंकि किसानों ने इनका खेल खराब कर दिया है। क्योंकि आज एक मुस्लिम किसान और एक हिंदू किसान एक ही मंच पर बैठकर नारे लगा रहे हैं अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के, और इस माहौल से घबरा गई है बीजेपी। जी हां, माहौल जब शांति की तरफ बढ़ता है तो 2014 के बाद वाली बीजेपी घबरा जाती है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, किस तस्वीर से या किन आवाजों से बीजेपी घबरा रही है। देखिए, एक हिंदू किसान और एक मुस्लिम किसान साथ मिलकर नारे लगा रहा है अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के। देखिए, ये झुंडे जो हर महादेव वाले हैं, बाग जमेश्वर हर हर महादेव अल्लाह अकबर। अगर भाजपा वाले से पूछ रहे कहा जाके तो दोनों हमने ले लिए। पहले भी नारे लगते थे जब टिकट साफ थे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पे नहीं होगा, ये तोड़ने का काम करेंगे हम, जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये किसान उन्हें छोड़ने नहीं वाला है। इनको यही लग रहा था कि किसान वो शख्स है जो सिर्फ मजदूरों की तरह खेतों में काम करता है, आज वो तुम्हें राजनीति का पाठ भी पढ़ाएगा। जी हां, तुमने उस किसान को, उसके नेताओं को भद्दी भद्दी गालियां दी थी। वो सिंघू बॉर्डर पहुंचा भी नहीं था, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वो बॉर्डर्स का रुख कर रहा था, पैदल चल के जा रहा था, और तुमने उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी और न जाने किन शब्दों से नवाजा। भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू जो हैं वो सिंघू बॉर्डर पहुंच जाते थे और देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगाया करते थे। आपके अपने मंत्री, पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद और मौजूदा मंत्री पीयूष गोयल किसानों के बारे में अनाप शनाप बातें करते थे। तुमने क्या सोचा था कि किसान इस बात का जवाब नहीं देगा? उसने साल 2021 के सत्याग्रह का मुजाहिरा किया है, उसका प्रदर्शन किया है। वो हिंसा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उसके भीड़ जब गोदी मीडिया के बिकाऊ पालतू पत्रकार जाते हैं उसके बीच में, तो वो उसका आईना दिखाता है। हिंसा का इस्तेमाल नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि वो किसान समझ चुका है, विपक्ष का एक बहुत बड़ा तबका समझ चुका है कि इस सरकार की संजीवनी है ये पालतू मीडिया, क्योंकि प्रचार इसी पालतू मीडिया के जरिए किया जाता है। वो कहानी सुनी होगी ना आपने कि राक्षस की जान तोते में थी। किसान समझ चुका है कि ये पालतू मीडिया दरअसल तोता है। ये पालतू मीडिया भाजपा का गुल्लू भी है, कालू भी है और मिट्ठू मियां भी है, यानी कि तोता भी है। क्योंकि अगर ये प्रचार खत्म हो जाए, अगर प्रचार के इस माध्यम की विश्वसनीयता खत्म हो जाए, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए दोस्तों, तो भाजपा जो है वहीं पर बिखरने लगेगी। भाजपा को डर इस बात का है। भाजपा देख रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आग वो लगाना चाहती हिंदू मुस्लिम बयानों के जरिए, अब्बाजान वाले बयान के जरिए जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया था, अगर वो नहीं रहेगा तो बीजेपी के लिए जीतना नामुमकिन हो जाएगा दोस्तों। मगर जैसे मैंने कहा, अभी 6-7 महीने बाकी हैं। इंसान के अंदर जहर को निगलने की फितरत जो होती है ना, या जो मादा होता है, वो अप्रत्याशित है।
मुझे अब भी लगता है दोस्तों, आने वाले 6-7 महीनों में भाजपा लगातार सांप्रदायिक शिगुफे छोड़ती रहेगी और वोट वाले दिन हो सकता है मुद्दों पर ना वोट करके एक बार फिर वही जहरीली सियासत पर वोट ना पड़ने लग जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता मुझे गलत साबित करेगी, क्योंकि अगर आज की तारीख में आप ये अब्बा जान वाले मुद्दों पर, हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दों पर वोट करने लगेंगे ना, तो ये आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी सोच पर करारा तमाचा है। कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी यह समझती है कि हम आपको जहर में दफन कर सकते हैं और उसी में जहर में, उसी कीचड़ में रहना आपको शोभा देता है, उसी कीचड़ में रहना आपको पसंद है। क्योंकि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जब ऐसी सोच रखती है तो उसके मन में आपका मुकाम कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि कीचड़ में कौन रहता है, कीचड़ में कौन पनपता है, कीचड़ के अंदर कीड़े मकौड़े ही पनपते हैं मित्रों, क्यों? मगर बोल खिलाफ आजाद है तेरे में, इसी तरह से मुद्दे लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.